जय श्री कृष्ण। आज हम बनाएंगे सादा ब्लाउज, फर्स्ट नंबर का सादा ब्लाउज। और भी होता है दूसरा तीसरा, मैं आपको बताऊंगी। पहला हमें क्या करना है, जो हमारा लंबाई 14 इंच है, हम उसमें 1 इंच और जोड़ेंगे तो 15 इंच हो जाएगा। तो हमारे 15 इंच में हमारा ड्राइंग करना है। तो मेजरमेंट इस तरह से है, शोल्डर हम लेंगे 6 इंच मिलेंगे, गला हम 2.5 इंच मिलेंगे, आर्म होल हमारा 5.5 इंच मिलेंगे, हमारा सीना आना चाहिए 34 इंच और हमारा कमर है 30 इंच। ठीक है, सबसे पहले कपड़े को बिछाना सीखेंगे, कैसे बिछाते हैं उसको मैं बताऊंगी आपको। दूसरा में क्या है कि बंद भाग अपनी ओर रहेगा हमेशा, इससे कटिंग करने में परेशानी नहीं होगी। गला का कटिंग हमेशा बंद भाग में करेंगे, गले का कटिंग हमेशा बंद भाग में करेंगे। कभी कभी बिछाना गलत हो जाता है तो उल्टे भाग में कट जाता है, तो वो भी मैं आपको बताऊँगी। गला का जो गहराई है वो अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। चलिए ठीक है, मैं आपको वो ड्राइंग बताती हूँ। ये हमारा ड्राइंग है, तो ये ड्राइंग में ये हमारा 15 इंच है, ये हमारा लंबाई ये 15 इंच है। देखिए स्केल के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ, ये हमारा 15 इंच है और ये हमारा जो ये हमारा गला है 2.5 इंच में है और हमारा शोल्डर 6 इंच में है। हमारा गला का गहराई हम 5 इंच में लिए हैं, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये 5 इंच में लिए हैं और ये हमारा शोल्डर 5.5 में लिए हैं। आर्म होल हमारा 5.5 इंच में है। ये हम गला पहले बना लेते हैं गोल। यहाँ से यहाँ हम 1 इंच हमेशा लेते हैं गोलाई करने के लिए और ये हमारा हल्के हाथों से गोलाई कर देंगे। ये भी इसी तरह से 1 इंच यहाँ से लेकर ये गोलाई कर लेंगे। यहाँ पे ये टक से लेंगे, पूरा सादा ही टक से है, हम इसका तिकोन पट्टी नहीं लिए हैं। ये यहाँ से हम नीचे 4 इंच में ले लेंगे। यहाँ से यहाँ ये हमारा 2.5 इंच में रहेगा, यहाँ से यहाँ हमारा ये 2.5 इंच और ये बीच का सेंटर 1 इंच में लेंगे। यहाँ से सब तरफ से चारों दिशाओं से 1-1 इंच में लगा लेंगे निशान और ये नीचे इस तरह से टक्स बना लेंगे और यहाँ से भी 1 इंच लेके ये टक्स बना लेंगे ऐसा, और यहाँ से भी 1 इंच में लेके ऐसा टक्स बना लेंगे। बिल्कुल ड्राइंग तो पता नहीं आपको कैसे समझ में आया नहीं आया, लेकिन मैं आपको कपड़े में कटिंग करके बता दूंगी। लेकिन ये हमारा जो लंबाई है ये 15 इंच में है कपड़े का, ये हमारा ये 2.5 इंच में है, ये हमारा 2.5 इंच में है, ये नीचे हमारा 5 इंच में है, यहाँ से यहाँ ये शोल्डर हमारा 6 इंच में है, आर्म होल हमारा 5.5 इंच में है, ये टक्स ये 2.5 इंच में है। 2.5 इंच में लगा के हम सबको यहाँ से 1 इंच लेंगे, इसके नीचे से हम 1 इंच ले लेंगे ये, और यहाँ से यहाँ 1 इंच, ये पूरा हमारा 1-1 इंच में रहेगा और इस तरह से हमारा ड्राइंग कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कपड़ा मैं बिछा के बताती हूँ आपको। देखिए ये कपड़ा है, इसको बिछाना कैसा है, हमें ये कपड़ा को उस ऐसा फोल्ड करना है, ऐसा फोल्ड कर लेंगे। ये हमारा कपड़ा फोल्ड हो गया है, इधर का भाग हमें 10 इंच में आना चाहिए, देखिए 10 इंच में आ गया, और इधर से हमारा लंबाई जो है पीछे का भाग हम 15 इंच में लेंगे, सिलाई के बाद हमारा 14 इंच में आएगा। ये हमारा 15 इंच में है। अभी से हम करना क्या है, यहाँ से हमें ऐसा मोड़ लेना है, यहाँ से पकड़ के हम इसे बिछा लेते हैं। ये हमारा बिछाना हो गया, ये हम बिछा लिए। अभी हमें 15 इंच में ड्राइंग करना है। ये हमारा 15 इंच है, देखिए ये बंद भाग हमारी तरफ है, आपको बोली थी कि बंद भाग हमारी तरफ आना है, ये बंद भाग हमारी तरफ है ये, और ये खुला भाग उधर की ओर है। तो यहाँ से यहाँ हमें जो शोल्डर है लेना है, वो शोल्डर है 6 में, ये 6 इंच में लेना है, और ये हमारा जो नीचे का शोल्डर हम बोले थे 5.5 आर्म होल, ये 5.5 में लिए हैं। हम सीधा कर लेते हैं, ये आर्म होल 5 में, यहाँ से हम 1 इंच ले लेंगे और इसे हम हल्के हाथों से गोल कर लेंगे। और हमारा गला हमारा 2.5 इंच में लेना है,
ये हमारा 2.5 इंच में ले लिए और ये 5 इंच में ले लिए हम सामने का गला 5.5 में ले सकते हैं, 5.5 ले लेते हैं। चलिए आगे यहाँ से हम ले लेते हैं और इसे भी 1 इंच में आके इसे गोल कर लेते हैं। गोल हो गया, यहाँ से हमें 4 इंच लेना है और यहाँ से हमें 2.5 इंच लेना है। हम ये बंद भाग की ओर से हम लोग को ड्राइंग करना है। ये 2.5 इंच भी ले लिए और यहाँ से हमें 1 इंच लेना है, 1 इंच यहाँ, 1 इंच नीचे की ओर, 1 इंच इधर बाजू से और 1 इंच यहाँ से। ठीक है, इसे हम बराबर कर लेते हैं और 1-1 इंच के बाद हम इसे सीधा कर लेते हैं। हमारा एकदम आसान सादा ड्राइंग है ब्लाउज। देखिए मैं आपको कटिंग करके बता रही हूँ। ये हमने वाला भाग निकाल लिए, ये हमारा आर्मोल निकाल लिए, ये हमारा गला है तो हम गला सामने का ही निकालेंगे। ये हमारा गला, ये हमारा गला सामने का निकाल लेते हैं। और यहाँ से हम ये शोल्डर निकाल लेते हैं। ये हमारा सामने का कटिंग हो गया है। हम इसी में ड्राइंग करें हैं, इसी में सिलाई होगा, इसको हम हटा लेते हैं। पीछे का गला हमें नीचे से हमें 4 इंच में रखना है, गला गहरा पहनना है हमको। ये गला गोल, ठीक है, इसे हम कटिंग कर लेते हैं। पीछे का भाग हम कटिंग कर रहे हैं। थैंक यू। सिलाई हम बाद में बताएंगे। लाइक सब्सक्राइब करें।